नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज के प्रमुख समाचार। धर्म परिवर्तन पर संसद में घमासान जारी। उत्तर प्रदेश के आगरा में कथित धर्म परिवर्तन का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष तथा सत्ता पक्ष के बीच संसद के भीतर और बाहर इस मुद्दे पर जमकर घमासान हो रहा है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि अगर सभी दल सहमत हों तो धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार कानून ला सकती है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि संविधान में देश के हर नागरिक को अपना धर्म चुनने का अधिकार है, लेकिन लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना अपराध है। दूसरी ओर भाजपा सांसद महंत आदित्यनाथ ने इसे जायज ठहराते हुए कहा कि यह घर वापसी का मामला है और इसे अन्यथा नहीं देना चाहिए। बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे राष्ट्रभक्त, सांसद साक्षी महाराज ने कहा। भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने एक नए विवाद को हवा देते हुए कहा है कि नाथूराम गोडसे राष्ट्रभक्त था, उसके दिल में भी देश के लिए दर्द था। गोडसे के उस समय के बयान से लगता है कि वह किसी बात से दुखी था, इसलिए उसने गांधी जी की हत्या की थी। हालांकि बाद में साक्षी महाराज अपने बयान से पलट गए और कहा कि मैं कोई नाथूराम गोडसे को महिमामंडित करने के लिए नहीं बैठा। भाजपा विधायकों के प्रियंका प्रेम से कांग्रेस नाराज। कर्नाटक में विधानसभा सत्र के दौरान दो भाजपा विधायक प्रभु चौहान और रवि सुब्रमणि मोबाइल पर प्रियंका गांधी की तस्वीर देख रहे थे। एक स्थानीय समाचार चैनल पब्लिक टीवी पर वीडियो के प्रसारित होते ही बवाल मच गया। कांग्रेस समर्थकों ने इसे प्रियंका का अपमान बताया है। भाजपा विधायक चौहान ने मामले पर सफाई देते हुए कहा कि वो जूम इन करके फोटो के नीचे लिखा स्लोगन पढ़ रहे थे। बाल बाल बचे कप्तान विराट कोहली। भारतीय कप्तान विराट कोहली उस समय बाल बाल बच गए जब ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मिशेल जॉनसन की एक गेंद उनके हेलमेट में जाकर लग गई। इससे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी घबरा गए। जॉनसन की बाउंसर लगने के बाद घरेलू टीम के खिलाड़ी उन्हें देखने उनके पास पहुंच गए। गौरतलब है कि घरेलू टूर्नामेंट के दौरान सिर में बाउंसर लगने से ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी फिल ह्यूज की एक पखवाड़े पहले मौत हो गई थी। एडिलेड टेस्ट में भारतीय पारी के 31वें ओवर में मुरली विजय के आउट होने के बाद कोहली क्रीज पर उतरे थे और जॉनसन ने उनका स्वागत शॉर्ट गेंद के साथ किया था। कोहली ने झुककर गेंद से बचने की कोशिश की, लेकिन यह उनके हेलमेट से टकरा गई। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम ने 5 विकेट खोकर 369 रन बना लिए।